जल्द ही आप गोल्ड ETF की तरह चांदी में भी निवेश कर सकेंगे। बाजार नियामक SEBI ने सिल्वर ETF में निवेश के लिए मानक जारी कर दिए हैं। ये मानदंड 9 दिसंबर 2021 से प्रभावी होंगे। नववर्ष के अवसर पर बाजार में सिल्वर ETF लॉन्च होने के आसार हैं। इसमें आप बिना रिस्क के निवेश कर पाएंगे। भारत में चांदी को गरीबों का सोना कहा जाता है। त्योहारों और शादी विवाह जैसे विशेष अवसरों पर जो लोग महंगा होने की वजह से सोना नहीं खरीद पाते, वे चांदी खरीदकर अपनी खुशियों में इजाफा करते हैं। अभी तक चांदी में सिल्वर बार, कॉइन और ज्वेलरी के रूप में ही निवेश करने का विकल्प था। इसमें शुद्धता को लेकर बड़ा जोखिम रहता था। निवेशकों को धोखाधड़ी का एहसास तभी होता था जब वो चांदी की इन वस्तुओं को बाजार में बेचने जाते थे। सिल्वर ETF लॉन्च होने के बाद लोगों को इन तमाम चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। इससे गोल्ड ETF की तरह चांदी में भी निवेश का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि चांदी खरीदने के लिए लोगों को बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ETF के जरिए 1 ग्राम चांदी भी खरीदी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चांदी का हाजिर भाव 66,000 रुपए प्रति किलोग्राम है, ऐसे में आप महज 66 रुपए से भी चांदी में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। जब भी कुछ रकम जुड़े उससे चांदी खरीद लें। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके बड़ी मात्रा में चांदी जोड़ सकते हैं। ETF में निवेश का एक और बड़ा फायदा ये है कि इसमें चांदी के रखरखाव और सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। ICICI Prudential AMC के प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड चिंतन हरिया बता रहे हैं कि सिल्वर ETF के जरिए निवेशकों को सोने के बाद पारदर्शिता के साथ एक कमोडिटी के रूप में चांदी में निवेश करना काफी आसान हो जाएगा। लोग सिल्वर ETF में बिना किसी जोखिम के चांदी रख सकेंगे। इस निवेश के जरिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलेगी। SEBI नियमों के तहत सिल्वर ETF योजना में चांदी की कीमत को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA के चांदी के दैनिक हाजिर मूल्य के आधार पर बेंचमार्क किया जाएगा। ऐसे ETF का शुद्ध संपत्ति मूल्य यानी NAV AMC की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस पहल से निवेशकों को सटीक मूल्य पता चल सकेगा। ये मानदंड गोल्ड ETF नियमों के अनुरूप है। NAV की कीमत म्यूचुअल फंड की तरह बाजार बंद होने के बाद निर्धारित की जाएगी। AMC को अपने फंड की 95% रकम चांदी और इससे जुड़ी उत्पादों में निवेश करनी होगी। ये उत्पाद LMBA की ओर से प्रमाणित होने चाहिए। और Money9 की सलाह है, सिल्वर ETF में निवेश के लिए DMAT खाता जरूरी है, लेकिन इतना तय है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां गोल्ड की तरह चांदी का फंड्स ऑफ फंड भी लेकर आएंगी। इन योजनाओं में बिना DMAT खाते के भी चांदी खरीदने का मौका मिलेगा। पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए इसमें चांदी को जरूर शामिल करना चाहिए।